हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुभेंदु और आप सभी को इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको दिन भर मिलेगा फिल्मी दुनिया से काफ़ी सारे अपडेट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, रिएक्शंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। इसीलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। आ गया हूँ आज फिल्मी दुनिया से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लेकर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तमिल लेडी सुपरस्टार जिसे कहा जाता है नयनतारा, उनकी अपकमिंग एक फिल्म का आज अनाउंसमेंट हो गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये एक पोस्टर के साथ रिवील कर दिया गया है। फिल्म का नाम है मन्नंगति सिंस 1960। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जूड विकी और बहुत जल्द इसका शूटिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्टर उमेश शुक्ला जिन्होंने इससे पहले 102 नॉट आउट जैसे फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, उनके नेक्स्ट फिल्म का आज रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है एक पोस्टर के साथ। और इस फिल्म का नाम है आंख मिचोली। फिल्म के अंदर कई सारे फेमस और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद है जिनमें से मृणाल ठाकुर, परेश रावल, विजय राज, अभिषेक बैनर्जी जैसे एक्टर्स भी मौजूद है। इस फिल्म को 27 अक्टूबर रिलीज कर दिया जाएगा। अपकमिंग सुपर हीरो मूवी हनुमान, इस फिल्म का आज एक नया पोस्टर ड्रॉप किया गया है और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर ये पोस्टर ड्रॉप किया गया है। पोस्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बता दूं ये जो फिल्म है ये संक्रांति 2024, टू बी वेरी स्पेसिफिक 12 जनवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म को 5 नहीं बल्कि 11 लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा। लंदन में 17 दिन के शूटिंग के बाद डायरेक्टर कबीर खान और कार्तिक आर्यन अब पहुंच चुके हैं कश्मीर चंदू चैंपियन के अगले जो पार्ट का शूटिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। और इस बार की जो शूटिंग शेड्यूल है इसके अंदर कई सारे एक्शन सिक्वेंसेस भी रहने वाला है। इस फिल्म को जून 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। कल ही हमारे चैनल पर एक अपडेट आया था कि आज गणपत पार्ट 1 से एक अपडेट आने वाला है। और कल ही मैंने बताया था कि शायद एक पोस्टर जैसा कुछ आ सकता है, तो वैसा ही किया गया, एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज़ नोटिस किया कि पोस्टर के अंदर कहीं भी गणपत पार्ट 1 लिखा नहीं है, सिर्फ गणपत लिखा हुआ है। ये समझ में नहीं आया पार्ट 1 आएगा भी या नहीं, मतलब पार्ट 2 होगा भी या नहीं, या फिर सिर्फ एक ही पार्ट में है, तो पता नहीं। आप बताइए कमेंट करके अगर आपको पता है तो। इस फिल्म का जो टीजर है वो भी बहुत जल्द शायद अगले हफ्ते ही ड्रॉप कर दिया जाएगा डिजिटली। वैसे आपको बता दूं अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी याराना का फेमस गाना सारा जमाना हसी को हसीनों का दीवाना, इस गाने को इस फिल्म के अंदर रिक्रिएट किया जाएगा। ये तो बहुत दिनों से तय था कि सलमान खान अब नजर आने वाला है एक एक्शन फिल्म के अंदर जिसको प्रोड्यूस करने वाले है करण जौहर। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विष्णुवर्धन जिन्होंने इससे पहले शेरशाह जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। अब इस फिल्म का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कल ही आ जाएगा, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल ही आ जाएगा। वैसे आपको बता दूं इस फिल्म का जो शूटिंग है वो दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की फर्स्ट पैन इंडिया मूवी टाइगर नगेश्वरा राव, इस फिल्म का जो सेकंड गाना है उसको 21 सितंबर ड्रॉप किया जाएगा। इस गाने का जो हिंदी टाइटल है वो है विडू। अगली अपडेट की बात करूं तो फेमस नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मनी हाइस्ट का जो स्पिन ऑफ आने वाला है, मतलब बर्लिन, अब इसका रिलीज डेट या फिर स्ट्रीमिंग डेट या फिर प्रीमियर डेट जो भी कहें इसको अब ऑफिशियल कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की तरफ से। आपको बता दूं ये जो सीरीज है बर्लिन इसको 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कमेंट करके आपको ये अपडेट्स कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।